नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की ये तस्वीरें मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ डोली टोल प्लाजा से, जहाँ आरएलपी के नेता थान सिंह डोली आज विशाल धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जिसमें आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस धरने प्रदर्शन में हजारों की तादाद के अंदर लोग भी पहुँचे हैं। आपको बता दें कि जोधपुर व पाली की फैक्ट्रियों से निकलने वाला दूषित पानी जिस तरह से डोली, अराबा सहित आसपास के तमाम गाँवों में पहुंच चुका है और वो पानी लोगों के घरों तक पहुंच चुका है, इस पानी की वजह से यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। आपको बता दें कि यहाँ के लोग पलायन करने को मजबूर है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वाकई में अपना घर छोड़ चुके हैं और अपने रिश्तेदारों के यहाँ या कहीं खेतों में जा कर के बच चुके हैं। तो ऐसे में आरएलपी नेता थान सिंह डोली जिस तरह से पिछले 15 दिनों से लगातार इस पानी के लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे थे, लोगों को आमंत्रित कर रहे थे इस आंदोलन के लिए, आज के दिन के लिए, और आज वाकई में डोली टोल प्लाजा पर भीड़ पहुंची है, लोग पहुंचे हैं, महिलाएं पहुंची हैं, और अब देखना ये होगा कि आज के इस आंदोलन के बाद क्या वाकई में डोली और अराबा के लोगों की समस्या का समाधान निकलेगा, ये आंदोलन किस दिशा की ओर आगे बढ़ेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बता दें कि इस आंदोलन में बाईतू के विधायक हरीश चौधरी भी पहुंचने वाले हैं, वह साथ ही साथ बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा के सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल व बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार रोत भी पहुँचने वाले हैं। अब इसके बाद देखने वाली बात ये होगी कि यह आंदोलन आगे किस तरह से बढ़ेगा, क्या थान सिंह डोली और उनकी पूरी टीम इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएगी, क्या डोली, अराबा, आसपास के क्षेत्रों में जिस तरह से यहाँ के लोग दूषित पानी को लेकर के परेशान हैं, जिस तरह से उनकी ज़िंदगी काफ़ी प्रभावित है, तो उनकी समस्या पर सरकार क्या निवारण करेगा, शासन प्रशासन उनकी इस बात को किस तरह से मानेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये सीधी तस्वीरें डोली टोल प्लाजा से मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, जहाँ पे आरएलपी नेता थान सिंह डोली के नेतृत्व में किए जा रहे आंदोलन मुक्ति संग्राम में यहाँ पे हजारों की तादाद के अंदर बुजुर्ग पहुँचे हैं, नौजवान पहुँचे हैं, महिलाएं पहुँची हैं, और इस आंदोलन में अपनी भागीदारी, अपना सहयोग देने के लिए, और जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि डोली और अराबा इस ये जो पूरा गांव है, क्षेत्र है, यहाँ पे शायद ही कोई ऐसा घर बचा है जिस घर में पानी नहीं पहुंचा है। सरकारी विद्यालयों की बात करें, सरकारी दफ्तरों की बात करें, घरों की बात करें, दुकानों की बात करें, हर जगह चारों तरफ गंदा पानी ही पानी नज़र आ रहा है। समस्या वाकई में गंभीर है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि इस आंदोलन के बाद क्या सरकार के कानों तक ये बात पहुंचती है।